अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चिकन विंग्स विद बफलो सॉस। उसके लिए जो है वो मैंने विंग्स लिए हैं, इस तरह से उनको कटिंग कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इनको वॉश कर लिया हुआ है। ये है स्किन के साथ, ठीक है, ये स्किन के साथ मैंने लिए हैं, तो ये इसके साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से इनको मैंने काट लिया हुआ है। अब मैं इसकी मैरिनेशन करती हूँ। मैरिनेशन के लिए जो मुझे स्पाइसेस चाहिए वो ये हैं। मैंने नमक लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने ली है रेड पेपर, हाफ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट है, और जिंजर पेस्ट नहीं है, जिंजर पाउडर है, और हाफ टी स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर है। इन सबको जो है वो मैं अब इसमें ऐड करती हूँ विंग्स में, और इसको इससे मैरिनेट करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये सारे स्पाइसेस जो है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब जो है वो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्लव्स के साथ कर लीजिए, या अगर आपके हैंड जो है वो वॉश हैं या आपको चिलीज तंग नहीं करती तो वैसे भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको जितनी देर आप चाहे मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना आपको पता है कि ये टेस्ट इसका इसके अंदर बिल्कुल सा रच जाता है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन जो है वो 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये विंग्स को मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये मैरिनेट हो गए हैं। अब मैं दूसरी तरफ जो है वो इसकी कोटिंग तैयार करूँगी। ये मैंने मैदा लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और हाफ टी स्पून ही जाएगी इसमें हरा मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है विंग्स को कोट करना है। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। ये एक मैंने बॉल लिया है, इसमें ले लिया ठंडा पानी। जी तो व्यूअर्स, ये विंग्स हैं, इसको वन बाय वन हम लेते जाएंगे और इसमें कोट करेंगे अच्छे से। ये जो मिक्सचर तैयार किया हुआ है, अब इसी तरह इसको पानी में डालते जाएंगे। दूसरा भी ऐसे ले लेते हैं। इसी तरह जो है वो निकालेंगे इसको, और इसको दोबारा से इसमें डिप करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरा भी विंग इसी तरह से पकड़ेंगे, अच्छे से कोट करेंगे इसको। इसी तरह से बाकी जो हैं वो भी विंग्स हम इसी तरह से कोट करके रखते जाते हैं अपने। ये तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये विंग्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल रख लिया मैंने, और ऑयल को गर्म कर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसको वन बाय वन हम फ्राई करते जाते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डालती जाती हूँ। ये मैंने ऑयल में डाल दी है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे विंग्स फ्राई हो रहे हैं। इन पर देखें कैसा कलर आ रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर और इनको करेंगे, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। विंग्स फ्राई हो गए हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। ये तो व्यूअर्स, हम अब सॉस तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें डालूंगी मैं घी, अगर बटर है तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। घी मेल्ट हो गया तो इसमें जाएगी हॉट सॉस। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी,
जाएगा थोड़ा सा नमक, इसमें जाएंगी रेड चिलीज पाउडर, थोड़ा सा सोया सॉस, अब जाएगी इसमें चीनी, दो चम्मच चीनी ऐड की है क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी होती है, इस वजह से इसमें ना चीनी ज़्यादा जाएगी। इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी विनीगर। ये तो व्यूअर्स ये सॉस हमारी थिक हो रही है, इसमें थिकनेस के लिए कोई चीज़ नहीं हम डालेंगे क्योंकि जो शुगर है ना वो ऑलरेडी उसकी वजह से ये थिक होती जाएगी खुद ही से। ये तो व्यूअर्स सॉस हमारी जो है रेडी है, ये देखें इसकी थिकनेस, ये ठीक है। ये विंग्स मैंने एक बॉल में निकाल ली है, अब जो बफलो सॉस रेडी की थी वो मैं इस पर डालती हूँ। ये सॉस मैंने सारे विंग्स पर डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये हमारे बफलो सॉस चिकन विंग्स रेडी हैं बहुत मज़ेदार से, ये देखें, ये देखें किस तरह से हैं। कितने क्रंची, कितने सॉफ्ट। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल फूड FF को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सब वीडियोस जो है वो आपको मिलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।